गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे एंड टुडे इज आवर लास्ट सेशन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वी आर लेफ्ट विथ वन स्मॉल प्रॉब्लम फॉर शेयर सरेंडर, राइट। सो मैंने आपको शेयर सरेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था, राइट, एट taught you the concept of share surrender. ठीक है, चलिए। सो इसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट डे समझा दिया था। बेसिकली कंपनी टेल्स shareholder to surrender their equity rights which company issues to creditors / debenture holders for the amount due. As a result, company saves. Company क्या बचा लेती है? Stamp duty charges, right? So company shareholder को क्या बोलती है? आप लोग अपना rights को surrender करिए। Company tells shareholder to surrender their equity rights, which company issues to creditor / debenture holder for the amount due. As a result, company saves stamp duty charges, right? तो ये हम लोगों को मालूम है दोस्तों, हाँ या ना? चलिए। So now, having done this, now we will go to the practical problem. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम equity shareholder से surrender करवाते हैं, right? And उसके बाद वही surrendered share से, मतलब जो किसी के नाम पे था मैं उसे वापस ले लेता हूं, तो वो बेनामी बन जाते हैं। फिर उसी बेनामी को मैं क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर को नाम लिख के दे देता हूं, राइट। तो एज अ रिजल्ट मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल जो किसी और का था, अब वो क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर का हो गया। तो इसके कारण क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर को जो भी देना वो नहीं देना पड़ेगा ना। सो दैट विल गो टू कैपिटल रिडक्शन। और मैंने आपको लास्ट ईयर सिखाया है इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट वेव करो और क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर को नया शेयर दो, उसमें जो कैपिटल रिडक्शन का पोजीशन होता है और इसमें जो कैपिटल रिडक्शन का पोजीशन है वो सेम रहेगा। वहां पे वैल्यू रिडक्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर रिडक्शन है, थिंग्स आर गोना बी सेम, राइट। चलिए, सो नाउ द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड, यही है ना? आई गेस, आई थिंक दिस इज द वन, जस्ट चेक, अब यही है, वेरी गुड। द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2000 X1 वॉज एज फॉलोस। आपको शेयर कैपिटल में 10 लाख दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में 6 लाख रुपए का लॉस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 लाख का डिवेंचर है, ट्रेड पेबल में 72,000 का क्रेडिटर है, अदर करेंट लाइबिलिटी में यू हैव 24,000, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में यू हैव 24,000, तो दैट टोटल्स अप टू 7,20,000। ओके, नाउ वी हैव 5 नोट्स टू अकाउंट्स, सॉरी हमारा ये तो लाइबिलिटी कंप्लीट हुआ। अभी एसेट में भी नॉन करेंट एसेट है, पीपी, इन्वेंटरी, स्टॉक, कैश, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल में बोला है पूरा शेयर कैपिटल में पूरा 10 लाख का इक्विटी है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, डेबिट बैलेंस है 12%, डिवेंचर है, अदर करेंट लाइबिलिटी में हमारा इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास्ड एंड सैंक्शन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। मैंने आपको बोला था ना कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो हमने ऑलरेडी ले लिया है। अकॉर्डिंगली इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। नाउ यहाँ सब डिविजन हो रहा है, पहले
नाउ क्या सब डिविजन में टोटल कैपिटल चेंज होता है? आंसर है नो, द सब डिविजन में टोटल कैपिटल चेंज नहीं होता, खाली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, छुट्टा कराना, बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ गेटिंग द बिग नोट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन, राइट, छुट्टा कराना। तो सबसे पहले हम लोग सब डिविजन करेंगे, सो इट इज लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 100 अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल है, इसमें सोचने का कुछ बात ही नहीं है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले, इसमें भी अमाउंट 10 लाख ही होना है, बिंग 10,000 10,000 इक्विटी शेयर जो 100-100 वाला था उसको सब डिवाइड कर दिया इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर में ये लोग सब डिवाइड हो गया। सो प्रेजेंटली व्हाट इज माय शेयर कैपिटल आफ्टर दिस सब डिविजन, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ये हमेशा याद रखिएगा। आप चाहें तो हम यहां पर भी 10 इंच लिख सकते हैं, 1 लाख लिख सकते हैं, सो हमेशा आपको याद रखना है ये 1 लाख शेयर में कन्वर्ट हो गया है, राइट। नेक्स्ट, हर शेयर होल्डर अपना 50% राइट कंपनी को सरेंडर कर दे रहा है, जो कंपनी डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर को सेटल करने में यूज करेगा। तो 1 लाख का 50% कितना होता है? 1 लाख का 50% हो गया 50,000 शेयर, तो 50,000 × 10 5 लाख का शेयर इक्विटी शेयर होल्डर लोग, सो 50% ऑफ द होल्डिंग मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं, राइट। तो इसको शेयर सरेंडर की एंट्री में करूंगा,
राइट 50% हमने कंपनी को सरेंडर कर दिया तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो गया, राइट, बीइंग 50% इक्विटी शेयर्स सरेंडर्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर सरेंडर में से कंपनी किसी को भी शेयर दे सकती है, जरूरी नहीं है इसी लोगों को। मैंने कल दिखाया था आप लोगों को लास्ट सेशन में, मैं जिससे लेता हूं जरूरी नहीं मैं उसी को वापस करूं, राइट। तो मैंने सरेंडर करवाया है, अब मैं ये क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर को दूंगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज बोला होगा, देखते हैं किसको दे रहा हूं। फिफ्टी परसेंट मैंने शेयर सरेंडर करवा लिया, जो नामी शेयर थे उसको बेनामी कैटेगरी में डाल दिया। आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000, 50,000 मैंने सरेंडर कराया था, 10,000 को मैं प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं डिवेंचर होल्डर को बोला कि आप हमारा इक्विटी शेयर ले लीजिए, डिवेंचर होल्डर कहता है ना बाबा ना। अगर आप मेरी अभी की पोजीशन देखेंगे तो अभी मैं प्रायोरिटी में नंबर वन रैंक पे हूं विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल रिपेमेंट, दोनों पे ही मेरा नंबर वन रैंकिंग है। इन बोथ द केसेस माई रैंकिंग इज नंबर वन, राइट, दोनों केसेस में मेरा रैंकिंग नंबर वन पोजीशन पे है, प्रायोरिटी में भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट, प्रायोरिटी विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल रिपेमेंट। अगर आप मेरे को इक्विटी बना देंगे तो मैं लास्ट प्रायोरिटी में चला जाऊंगा, तो मैं लूंगा आपसे शेयर लेकिन मैं इक्विटी शेयर नहीं लूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं रजिस्ट्रार को स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पेमेंट करता हूं तो मैं शेयर कैपिटल का स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देता हूं, टाइप ऑफ शेयर का नहीं देता। तो मैं इक्विटी को प्रेफरेंस, प्रेफरेंस को इक्विटी आराम से बना सकता हूं, उसके लिए मेरे को सरकार को कोई एडिशनल चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे पास यहां पे जो इक्विटी शेयर सरेंडर में है, राइट, मेरे पास यहां पे जो इक्विटी शेयर सरेंडर में है मैं उसको प्रेफरेंस शेयर कैटेगरी में डाल सकता हूं, बीइंग इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स।
बीइंग इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर। राइट, मेरा अलग से कोई चार्जेस नहीं लगना, सामने वाला जो डिमांड कर रहा मैं उसको वो दे सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 10,000 इक्विटी शेयर को हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अभी बोलता है डिवेंचर होल्डर का क्लेम को 75% रिड्यूस कर दो। क्लेम्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर में प्रिंसिपल भी आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, डिवेंचर होल्डर का क्लेम को 75% रिड्यूस कर दो इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। मतलब 25%, 75% के लिए 25 अभी भी बाकी रहेगा, जितना मैंने रिडक्शन किया उसके लिए मैं ये प्रेफरेंस शेयर स्वीकार करता हूं। कहने का मतलब है, मैंने क्या बोला था, पेमेंट कहीं और से होगा और अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में फिर अलग से जाएगा। तो ये जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर सरेंडर पड़ा है, लिख दिया नाम इस पे तेरा, ऐसा नाम है ना, कोरा कागज था, ये सर्टिफिकेट मेरे पास, इस पे लिख दिया मैंने नाम डिवेंचर होल्डर तेरा, ऐसा करके है ना, पूरा गाना तो मेरे को आता नहीं है बट इस तरीके का आप समझ लो। ये मेरे पास पहले, समझो पहले मेरे पास क्या था, नामी शेयर सर्टिफिकेट्स थे, नामी, इस पे नाम मेंशन था, नामी थे ये, नामी। इसको मैंने बना दिया बेनामी। ये भी एक बेनामी से प्रेफरेंस बेनामी बन गया। अब टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000। तो जो कोरा कागज था उस पे लिख दिया नाम, उस पे मैंने तेरा, मैंने डिवेंचर होल्डर का नाम लिख दिया, इस पे वापस से नामी बन गया, नामी से बना बेनामी, बेनामी से बना बेनामी, फिर बेनामी से बना नामी। राइट, कोरा कागज था, डिवेंचर होल्डर का नाम लिख दिया उस कोरे कागज पे, बेनामी मतलब किसी का नाम नहीं है शेयर सर्टिफिकेट में, उस पर मैंने डिवेंचर होल्डर का नाम लिख दिया, उस पर मैंने डिवेंचर होल्डर का नाम लिख दिया, उसको दे दिया। तो बीइंग 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड टू डिवेंचर्स होल्डर इन कंसिडरेशन ऑफ 75%, 75% के लिए ये दिया, तो 75% वाले चले जाओ, फॉर 75% आई पेड देम सेपरेटली, अलग खाते से। तो आप जो 75% की हमारी लाइबिलिटी है, नमस्ते, तो चले जाओ, मतलब कैपिटल डिडक्शन में चला जाएगा। 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी डेबिट होगा, तो 1,50,000 का तो ये 18,000 ये टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, चले जाओ, दूर हो जाओ तुम लोग मेरी नजर से। बोला हमारा पैसा, बोला पैसा दे दिया, पैसा 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर दे दिया, वही समझो
25% अभी भी हमारे बैलेंस शीट में रहेगा क्योंकि उससे बात नहीं हुई, जितना रिड्यूस हो रहा है उसी के लिए हमने ये दिया है। रिडक्शन 75% हुई है, इसकी पेमेंट हम अलग से कर दिया। देखो बीइंग 75% डिवेंचर होल्डर्स सेटल्ड, राइट। आइए, रिमेनिंग 25% अभी भी बैलेंस शीट में आएगा, रिमेनिंग 25% विल अपियर इन बैलेंस शीट। आइए आगे पढ़ते हैं। ट्रेड पेबल का पहले तो 50% लेके आओ, ट्रेड पेबल को 50% में लेके आओ, लाने के बाद फिर सेटल करो। चीज को समझिएगा, पहले क्या बोला, पहले डिवेंचर होल्डर में बोला 75% गिराओ, जितना गिराया उसका सेटलमेंट करना। बट यहां पे क्या बोल रहा है, 50% तो तुम भोगे समझो, 50% तो पूरा भोगे है, अब जो बचा उसको सेटल करूंगा मैं शेयर में। तो क्रेडिटर है 72,000 का, 50% वेव, बाकी 50% बचा 36,000, उसी का सेटलमेंट होगा शेयर में। तो ध्यान से समझिएगा, क्रेडिटर्स रिड्यूस टू 50, which was settled by equity share। समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बचावा को सेटल कर रहे हैं, यहां पे जो गिरा था उसी को सेटल किया हमने। यहां पे गिरावट के लिए मैं ये मांगा, यहां पे गिरावट तो हो गई, बचावा के लिए मैं शेयर मांग रहा हूं। तो कहने का मतलब है, इक्विटी शेयर्स सरेंडर डेबिट टू, अगेन पूरा कागज था उस पे लिख दिया नाम मैंने क्रेडिटर का, राइट। Being 36,000 settled by issue of equity shares। अगेन ये बन गया नामी, राइट। तो 50% तो तुम भूल जाओ, बाकी 50 मैंने तुमको अलग से पेमेंट कर दिया।
तो इन शॉर्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स दैट विल गो टू कैपिटल डिडक्शन इज 72। मैंने बताया था ना, वेव्ड और पेव्ड, राइट, वेव्ड एंड पेड दोनों ही कैपिटल डिडक्शन में जाएगा, बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड। यहां पे जो पार्ट वेव था उसी का पेमेंट है ये, 25% बैलेंस शीट में आएगा। यहां पे वेव्ड पार्ट के लिए कोई पेमेंट नहीं है, रिमेनिंग के लिए पेड है। जीरो क्रेडिटर्स विल अपियर इन बैलेंस शीट, पूरा ही तो सेटल हो गया। डन। नेक्स्ट, पीएल डेबिट को कैपिटल डिडक्शन में डाल दो। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू being losses written off, और कोई लॉस नहीं बोला, खाली इसी के लिए बोला है। और जो भी अनइश्यूड शेयर्स है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 लाख का इक्विटी शेयर सरेंडर में था, 1 लाख का प्रेफरेंस बना के वहां से इश्यू कर दिया, 36,000 का इक्विटी शेयर क्रेडिटर को दे दिया, तो बचा 3,64,000 अनइश्यूड बैलेंस इन इक्विटी शेयर सरेंडर इक्वल्स टू 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 36 इक्वल टू रुपीज 3,64,000। तो ये हमने पहले ही बता दिया ना, वापस नहीं करूंगा अनइश्यूड शेयर्स, फाड़ के फेंक दूंगा, जितना भी कोरा कागज लास्ट में बच जाएगा सबको फाड़ के फेंकना, यही उनका रिडक्शन हो गया। अब टेक्निकली स्पीकिंग एक बार कैपिटल डिडक्शन अकाउंट बना लो, बाय 12% डिबेंचर 1.5 लाख, ठीक है, बाय इक्विटी शेयर सरेंडर सारा प्रॉफिट आ गया क्रेडिट साइड में, सारा लॉस आ गया डेबिट साइड में। कैलकुलेट करिए, 3,64,000 प्लस 72 प्लस 18
₹4,000 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हमेशा आप चेक कर लेंगे, ऑलमोस्ट परफेक्टली बैलेंस्ड है स्कीम, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। द स्कीम इज परफेक्टली बैलेंस्ड, देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन दिस। तो पहले रिडक्शन करवा लिया, रिडक्शन कराते बेनामी बन गया, सरेंडर, सरेंडर करते बेनामी बना, फिर एक बेनामी से दूसरा बेनामी इशू करते वापस से नामी बन गया। अब जिसको भी इशू किया वो अपना लाइबिलिटी छोड़ देगा। दो बार तो शेयर भी ले लोगे और पैसा भी मांगोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसा डिबेंचर होल्डर का सेटलमेंट हुआ, क्रेडिटर का भी सेटलमेंट होगा। दोनों का वर्डिंग्स में थोड़ा हेरा फेरी है, खाली देख लेंगे। पीएल डेबिट बैलेंस जैसे हम लोग कैपिटल रिडक्शन में डालते थे वैसे डालेंगे और अनइश्यूड शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। ना अपने को बैलेंस शीट बनाना है, रिवाइज लिमिटेड ब्रैकेट में एंड रिड्यूस्ड बैलेंस शीट एज ऑन 1 1,00,000 इक्विटी शेयर था 10 वाला आफ्टर सब डिवीजन, उसमें से 50,000 कंपनी को दे दिया मैंने, 50,000 दे दिया, तो बचा मेरे पास 50,000 नामी वाला शेयर कैपिटल, मतलब नामी वाला लिखेंगे। तो नामी में एक तो हमारे पास ट्वेल्व% प्रेफरेंस शेयर पड़ा है, ये 1,00,000 का भी कन्वर्ट किया जो, और 53,600 इक्विटी शेयर्स, दस लाख का था, 5,00,000 का सरेंडर कराया, बचा 5,00,000, मतलब 50,000 शेयर ऑलरेडी पुराना शेयर होल्डर लोग के पास में है। 36,000 का शेयर क्रेडिटर को दिया, मतलब 3,600 शेयर, ठीक है ना।
ओके नंबर टू, राइट, डिबेंचर 75% गया, ट्रेड पेबल पूरा चला गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का भी 75% गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पूरा बचेगा। एक लाख था एग्जिस्टिंग के पास में, हाँ मैं बता देता हूं, 1 लाख इक्विटी शेयर था माइनस 50,000 इक्विटी शेयर्स होगा, फिर प्लस 3600 शेयर्स हम लोग वापस से दिया, बस करने से तो आ जाएगा 53,600। एनीवे इधर कितना आ रहा है, 7,20,000, पीपी एज इट इज आएगा, थ्री ट्वेंटी, 270 एंड 30।
सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर राइट. एग्जाम में जितनी बार भी क्वेश्चन आए इसी से सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, बस खाली आपको वो लैंग्वेज याद रखना है डिवेंचर होल्डर का और क्रेडिटर का. डिवेंचर होल्डर में बोला था जितना वेव हुआ है उसी का सेटलमेंट हो रहा है, यहां पे बाकी का सेटलमेंट हो. ठीक है, तो इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है हम लोग के पास में राइट. एंड नेक्स्ट हम लोग अमलगमेशन शुरू करेंगे. ठीक है.